वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. सो वी विल स्टार्ट विद आर डेली रिव्यू. तो दिस वॉज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3. सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप दैट यू हैव डन. सो दिस इज द टेबल. अगर आप इन सब की नंबर ऑफ डेज को प्लस करोगे देन यू विल बी गेटिंग 30. मीन्स जितना आपको इनिशियली 30 डेज का डाटा गिवन था, तो अगर ऐसा 30 आ रहा है देन यू आर करेक्ट. एंड उसके बाद ये आपके दोनों जो पार्ट पूछे थे उसका आंसर, राइट. सो नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर 4. यू आर गिवन विद द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स में उनकी हाइट गिवन है. तो दीज आर द डेटा ऑफ द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स. तो ये 50 नंबर्स आपको गिवन है. आपको डेटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना है, लेकिन अपने इंटरवल्स आप इन्होंने बता दिए अपनी चॉइस के कि आप इंटरवल लोगे 160 टू 165 टाइप, मतलब पाँच पाँच का डिफरेंस लोगे. जैसे आप इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढोगे कि सबसे कम कितना है. आई थिंक 150 सबसे छोटी हाइट है, तो आपके इंटरवल्स स्टार्ट हो जाएंगे 150 टू 155, देन 155 टू 160, देन 160 टू 165, 165 टू 170. 170 से ज़्यादा किसी की हाइट है नहीं, तो ये आपके लास्ट दो इंटरवल्स आ जाएंगे. फिर वैसे ही नथिंग न्यू जो हमने कल सीखा था, वैसे ही आपने टेबुलर फॉर्म में करना है. और उसके बाद आप फिर कंक्लूड करोगे कि आप टेबल से क्या देख रहे हो, राइट. तो उसके लिए आप खुद से करके ये इसके साथ आंसर अपना मैच कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ यही आ रहा है. आपने इंटरवल्स ले लिए, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का इधर बना लिया. देन अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इफ़ यू आर एडिंग, तो अगर ये आपको 50 दे रहा है इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट. तो उसके बाद फिर हमसे पूछा था कि इस टेबल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट 50% मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165. बिकॉज देखो 165 से कम लेंथ, 165 से अगर आप देखो ज़्यादा हाइट वाले बच्चे कितने हैं, सिर्फ 15. तो 165 से कम वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 14 इज 35. तो 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से कम है, और 165 से ज़्यादा कितनों की है, 15 की. तो मोर देन 60% स्टूडेंट्स, तो 50% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से कम है. आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि लेस देन 50% स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर हाइट मोर देन 165. आप जिस वे में इस टेबल को देख रहे हो उस वे में आप इसका आंसर लिख सकते हो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर. एयर में सल्फर डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में, कितने पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट है किसी सर्टेन सिटी में. तो वो हमने उसका डाटा कलेक्ट करा 30 डेज. फर्स्ट डे ऑब्जर्व करा 0.03 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड था. फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, ये सारा डाटा आपको 30 डेज का गिवन है. आपने इंटरवल्स लेने हैं 0 to 0.04, फिर 0.04 से 0.08 एंड 0.08 से फिर 0.12 इट विल बी नॉट ज़ीरो, ठीक है. तो ऐसे कर कर के आपने इंटरवल्स लेने हैं. फिर उसके बाद आपने बताना है कि फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11. 0.11 से ज़्यादा कितने दिनों के लिए थी. फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे. तो सबसे पहले नथिंग न्यू, आपने वैसे ही इंटरवल बना लेने हैं. फिर आप काउंट करोगे 0.00 से लेके 0.04 के बीच में कितने डेज थे जितमें कंसंट्रेशन 0.00 से लेके 0.04 के बीच में थी. तो दिस इज़ 1. 0.4 वी विल नॉट बी इंक्लूडिंग बिकॉज वो अपर लिमिट है. तो हम 0.04 से छोटी वैल्यू देखेंगे. तो 1 दिस एंड देन 0. दिस बड़ा हो जाएगा 2, देन 0.3, देन 0.4. तो ये आपके पास 4 ऐसे दिन हैं जब आपकी रेंज इसमें लाई कर रही है, राइट. सिमिलरली आप नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए भी चेक कर सकते हो. तो देखिए, फिर आप यहाँ डाटा फिल कर दोगे
एंड उसके बाद इन्होंने पूछा था कि 0.11 से ज़्यादा कितने दिन कंसंट्रेशन रही है, तो 0.11 से ज़्यादा मतलब कौन सी आ जाएगी, ये सारी 0.11 से ज़्यादा है आपकी ये वाले, तो आप इनको प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट? वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक्स. तो दिस इज़ द नेक्स्ट वन. 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली एंड ईच टाइम नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड. हमने 3 कॉइन्स को टॉस करा, पहली बार हमारे पास तीनों पर ही टेल आ गया, मतलब हेड कोई बार नहीं आया, तो 0 लिख दिया. फिर दोबारा हमने करा, 2 पे टेल आ गया, 1 पे हेड आ गया, तो हमने 1 लिख दिया. तीसरी बार करा तो 1 पे टेल आया, 2 पे हेड आ गया, तो हमने 2 लिख दिया. नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही हुआ, 2 पे हेड आ गया, 1 पे टेल आ गया, तो हमने नंबर ऑफ़ हेड्स लिख रहे हैं तो हमने वो लिख दिया. तो ऐसे करके आपको एक डाटा गिवन है, यू हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो आप देखिए, आपके पास अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. आपके पास हो सकता है कि कोई भी हेड ना आए, या फिर 1 हेड आ जाए, या 2 हेड आ जाए, या तीनों पे हेड आ जाए, राइट? तो बस यही तो ऑप्शंस हैं आपके पास इस टेबल को. आप कंप्लीट कर लो, 0 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ऐसे केसेस में हम इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं लिखते होते. अब 1 कितनी टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फिर 2 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फिर 3 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5. अब हम देख लेते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, बिकॉज़ ये 30 आना चाहिए था आंसर, और आई सपोज़ ये नहीं आ रहा है, बिकॉज़ 6 + 5 = 11, 11 + 9 = 20, 29 आ रहा है. शायद मैंने कोई एक मिस कर दिया, तो आप इसको देख लेना, बिकॉज़ मैंने ये जूम नहीं करा था तो इसलिए क्लियरली नहीं आ रहा था, राइट? तो आप ऐसे टेबल बना लोगे, बस इसमें इस आपको कुछ और पूछा ही नहीं था, तो आप ये टेबल बना लोगे. टेबल बनाने के बाद आपका ये सम 30 आएगा ही आएगा, अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कोई गलती करी है, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो कि आपका जो पाए है वो एक इरेशनल नंबर है. इसकी जो आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हो वो कभी टर्मिनेट नहीं होती, वो चलती जाती है. 3.14592 6 लाइक दिस. ये इन्होंने डेसिमल के बाद वाले फर्स्ट 50 डिजिट्स लिख दिए हैं, उसके बाद भी ये चलता जा रहा है, पर ये कह रहे हैं कि हमने 50 लेटर डिजिट्स लिख दिए हैं डेसिमल के बाद. तो आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जिसमें आपने लिखना है कि 0 कितने टाइम आया, 1 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया, 3 कितने टाइम्स आया. फिर उसके बाद आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है और सबसे कम बार कौन सा डिजिट आ रहा है, तो वो बताना है. तो नथिंग न्यू फॉर यू, ये आपको बड़े अच्छे से हो जाएगा. बस ज़रूरत क्या है कि आपने इसको ध्यान से देखना है. बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं साथ में ही, बहुत सारी वैल्यूज़ साथ में ही लिखी होने की वजह से क्या होता है कि वो आपका आप कंफ्यूज़ हो जाते हो कई बार. सो हियर आई विल बी शोइंग यू द सॉल्यूशन. यू कैन मैच योर आंसर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन. 0 कितनी बार अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स. 1 कितनी बार अपीयर हो रहा है, 5 टाइम्स. तो ऐसे करने पे हियर आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप ये सारा देख के कर लो, बट आई वॉन्ट कि आप सारा खुद से करके उसके बाद इसके साथ आंसर्स मैच कर लो, राइट? फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था आपसे, कि आप बताइए सबसे ज़्यादा बार और सबसे कम बार सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कौन सा डिजिट आ रहा है. तो सबसे ज़्यादा बार अगर आप देख पाओ तो 9 आ रहा है 8 टाइम्स, 3 आ रहा है 8 टाइम्स. तो 9 एंड 3 ऐसे डिजिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं, और सबसे कम बार कौन आ रहा है, 2 टाइम्स 0 आ रहा है, राइट? तो बस वही फिर आपका आंसर हो जाएगा. नाउ इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप का वो होमवर्क है कि आपने वो खुद से करने हैं प्रैक्टिस, राइट? आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गिविंग यू. आप देख लीजिए, ये 30 चिल्ड्रन हैं जिनको पूछा है कि वो कितने घंटे टीवी देखते हैं. तो किसी का आंसर था कि वो सिर्फ 1 घंटे देखता है, कोई 6 घंटे देखता है, कोई 2 घंटे देखता है, राइट? ये 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है. आपने इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, 5 to 10. विड्थ क्लास विड्थ ये कह रहे हैं कि 5 है. क्लास विड्थ का मतलब क्या होता है, क्लास साइज़ जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ एच. तो
तो आपने वो वाली वैल्यू यहाँ पे 5, देखो 5 का ही डिफरेंस चल रहा है ना, तो नेक्स्ट विल भी 10 to 15 इंटरवल्स ले लेने हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है कि कितने चिल्ड्रंस हैं जो 15 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो आपको वो डाटा से निकाल के लिखना है, राइट। सो दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, राइट। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।